हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज हॉर्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। मुक्सर साहिब मेले में हूं और देव शान हमारे पीछे खड़ा हुआ है। भैया 65 इंच का है और हमारी नज़र से कैसे बचेगा जब मुक्सर में आए हैं तो यार इतने अच्छे घोड़े क्यों नहीं देखेंगे, नामी तो है ही पहले से। आइए उनके ओनर से बात करते हैं और जानते हैं उसकी खूबियाँ। सबको पता है लेकिन हम कुछ और जानेंगे क्योंकि भाई हमारी बात ही अलग है, आप जानते हैं। चलिए ओनर से बात करें। भाई साहब क्या हाल चाल है? हाँ जी नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। अपना जरा इंट्रो दे दें, आपका नाम, फार्म का नाम। हाँ जी मेरा नाम है सिमरन बराड़, स्टड फार्म का नाम है। अच्छा हाँ जी, घोड़े के बारे में बताइए, हाइट वगैरह इसकी। घोड़े का नाम है जी देवशान, ठीक है। इसकी हाइट है 65। हाँ जी, ये राजू रोड वाले का बच्चा है। अच्छा, तो एज कितनी है अभी इसकी? 8 साल। 8 साल की। हाँ जी। और आपके पास शुरू से ही है? नहीं, हमारे पास 1.5 साल के करीब हो गया है। 1.5 साल हो गया है इसको। आपका घोड़ा, जब आप अपने घोड़े के नाम से जाने जाते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, जैसे बात करें कि इसके आपने क्रॉसिंग जैसे करवाते हो, आपको बच्चों का रिजल्ट कैसा आता है? हाँ जी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। बढ़िया आ रहा है। हाँ जी, कुंडीदार कान और स्पॉटलेस बच्चे आ रहे हैं बढ़िया। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो अभी आप कितने घोड़े लेके आए हैं? और 2 ही लेके आए हैं मेले में। अच्छा, घर में है 12-13। 12-13 है। अच्छा, तो इसकी क्रॉसिंग फीस वगैरह कितनी है? 16,000 जी। 16,000। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे स्टैलियन घोड़ा कोई बनाता है ऐसे लोगों को नहीं पता होता है, लाइन कैसे जाने? वो लाइन तो खुद ही पता चल जाती है जब इस क्षेत्र में आता है आदमी, कोई भी आता है ना, घोड़ों के धंधे में आता है, जी, सभी अपने आप पता चल जाता है। अच्छा, शौक कितना पुराना है आपको? बहुत पुराना है, हमारे पहले से पुराने दादाजी रखते हैं। अच्छा, पहले से। अच्छा, उसके बाद हमको पिताजी को मेरे। अच्छा, तो और सबको भी शौक है घर पे? हाँ जी हाँ जी, अब तो सभी को है। तो नुकरे हैं और भी हैं? नहीं, नुकरा एक स्टेली नहीं है देशान, बाकी मारवाड़ी। बाकी मारवाड़ी। हाँ जी हाँ जी। तो चालबाज का शौक है कुछ, क्योंकि हमारा चैनल उधर का है चाल के ज्यादा। हाँ जी बहुत शौक है चाल का। ये घोड़ी है, ये चाल में ही है? हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी चाल चलती है, रेवाल चाल। अच्छा, रेवाल चलती है। हाँ जी आपको दिखाएंगे वीडियो। अच्छा, तो ये बढ़िया चलती है रेवाल की। तो आप देख सकते हैं, इस देवशान घोड़ा है जिसकी फीस आपने बताई है 16,000। 16,000। 65 हाइट है और एज की बात करें तो 8 साल। 8 साल का। हाँ जी 8 साल। तो अब मंडी लगी? हाँ जी। 1-2 साल का गैप, 2 साल का तकरीबन गैप हुआ है? नहीं, मुक्सर मंडी का गैप नहीं हुआ, नहीं हुआ है। ये पिछले साल भी लगी, लेकिन लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ा? लॉकडाउन से घोड़ों के मामले में फर्क नहीं पड़ा, तेजी आई है लॉकडाउन। तेजी आई है, बिल्कुल तेजी आई। ये आपने नई बात बताई है मुझे, घोड़ों तो के मामले। अच्छा, में बढ़िया तेजी आई है, क्यों तो, जो लोग घर में रुके लॉकडाउन की वजह से, तो उसने सोचा अभी क्या करें तो घोड़े रख लें और क्या करें। अरे शौक बढ़ गया, शौक बढ़ गया। हाँ, क्योंकि खाली दिमाग था ना। हाँ जी, तो सोचा कि चलिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका घोड़ा बहुत अच्छा है, मैं तो पंजाब फर्स्ट टाइम आया हूँ, बस मैं आपके वीडियो ही देखता था तो मुझे लगा कि आपका इंटरव्यू करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और आगे की इसकी, अच्छा शो में पार्टिसिपेट किया होगा? नहीं, शो में नहीं हम डालते। अच्छा, शो में नहीं डालते। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए। देख सकते हैं आप, शान घोड़ा है, अगर किसी को देव शान घोड़ा है। थोड़ा सा भैया इधर दिखा दे। जी जी, देव शान घोड़ा है, हाइट इसकी 65 इंच है और फीस की बात करें तो फीस इसकी है 16,000 रुपये। आप लोग देख सकते हैं, शानदार खूबसूरती है, यही हर घोड़ा घोड़ी में देखने को नहीं मिलती है। इसी को कहते हैं कि लाइन, भाई लाइन का घोड़ा। और नुकरों में तेवर ना हो, मेरा डायलॉग है कि भाई नुकरों में तेवर ना हो तो नुकरे किस बात के। बड़ा शानदार घोड़ा है, देखिए देखिए, ये हैं तेवर। मुक्सर साहिब मंडी से आप देख रहे हैं, ठंड का माहौल है लेकिन इसने माहौल गर्म कर दिया। चलिए भाई साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि और अच्छे अच्छे शान और शानदार घोड़े पाले आप। चलिए धन्यवाद।